हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बड़े आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक कॉन्डर मैथ्स ऑफ 8th क्लास उसका चैप्टर नंबर 17 जो कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पे है और उसकी एक्सरसाइज 17 हमारी चल रही है 8th क्लास के हवाले से। बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 33 है, लेक्चर नंबर 31 के अंदर और लेक्चर नंबर 32 के अंदर हमने इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये क्वेश्चंस कुछ लेंथी होने की वजह से बेटा हमें पिछला लेक्चर जो था वो कुछ क्वेश्चंस करने के बाद उसे ख़त्म करना पड़ा। आज हम इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये मैंने आपके सामने लिखा है जिसमें ये देखें कुछ मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर गिवन है, इनको भी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के तरीके से ही बड़ा सॉल्व करना होगा। सो लेक्चर शुरू करने से पहले वो चंद इंस्ट्रक्शन कि अगर अभी तक आप इस चैनल पर न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो बेटा आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूँ सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। दूसरा देखें अगर तो वाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए और वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है तो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे सो आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हर वर्ड क्लियर नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें मिक्स फ्रैक्शंस पाई जा रही हैं, आपने इन मिक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करके इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है, फिर इस तरह से आपने फिर एक इक्वेशन से वैल्यू बना लेनी है और उसको दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करना है यानी सब्स्टिट्यूट करना है सो आंसर निकलेगा। देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको ब्रेक करने का तरीका ये है कि ये जो नीचे नंबर होता है इसको ऊपर वाले से आप मल्टीप्लाई करें, यानी ये जो साइड पे नंबर है 2 2 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऊपर नंबर होगा वो इसमें प्लस कर देंगे। 2 2 4 प्लस 1 5 ओवर 2, ये 2 एज इट इज़ रहेगा और ये वाला आ गया इक्वल टू 4 3 12 प्लस 1 13 ओवर 3 और ये बी एज इट इज़ -29। अब एक आंसर मैं बना रहा हूँ यहाँ से, ए यहीं पे रहेगा, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई सो उधर जाकर ये क्या होगा इस पूरी इक्वेशन के साथ 13 ओवर 3 बी -29 के साथ क्या होगा डिवाइड होगा। सो बेटा डायरेक्ट में ये यहाँ पर कर रहा हूँ 2/5, कैसे कर रहा हूँ देखें यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस तरफ जाएगा सो ये देखें डिवाइड होगा 5/2, तो डिवाइड को जब हम क्या करेंगे चले डिवाइड को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे सो ये 2/5 हो जाएगा जो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। आपने इससे परेशान नहीं होना कि कैसे हुआ है, ये मैंने आपको समझा दिया। सो ये जो एक आंसर आया है इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब ये इक्वेशन 1 हमारी बन गई है, एक आंसर आ चुका है, अब यहाँ से आप इक्वेशन 2 भी बनाते हैं और उसे भी ज़रा थोड़ा सा सॉल्व करके इस आंसर को इसमें लगा देंगे। सो यहाँ से देखें 3 1 3 प्लस 1 4 बाय 3 बी -2 1 2 प्लस 1 3 बाय 2 ओवर इनटू ए इक्वल टू 6। सो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब लिखें कि पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, यानी ये ए की वैल्यू मैं इस इक्वेशन 2 के अंदर लगा देता हूँ, जहाँ पर मुझे ए नज़र आएगा वहाँ पर मैं ये सारी वैल्यू पुट कर दूँगा। सो देखें यहाँ पर 4/3 एज इट इज़ बी -3/2 ये देखें ये है, यहाँ पर मैं ये सारी वैल्यू लिखूँगा 2/5 इंटू 13/3 बी -29 इक्वल टू 6। ये ज़रा ख्याल करें यहाँ पर ये सारी वैल्यू जो है वो ए की है जो कि मैंने यहाँ से उठाई है यहाँ लिख दी। अब आप इसे सॉल्व करें, ज़रा सॉल्व करने के तरीका देखें कैसे करना है। 4/3 बी माइनस चलें ये इधर सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये 2 भी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इन दोनों को यहाँ से कैंसिल कर दूँ तो बाकी मेरे पास आ रहा है 3/5 इंटू 13/3 बी -29।
अब आप ये देखें, ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों से आपने अलग अलग इसे मल्टीप्लाई करते जाना है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4/3 बी माइनस, ये देखें जब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 3 से कैंसिल, बाकी आपके पास आ जाएगा 13/5 बी। आगे वाले से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3/5 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा देखें क्या आएगा इसका आंसर, 3 × 29 87 आ जाएगा। और बेटा देखें ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 5 एज इट इज़ आ जाएगा = 6। क्या किया मैंने ज़रा ख्याल करें, ये देखें यहाँ पर ये दो नंबर चले ब्रैकेट के बाहर ही थे इसके, तो मैंने क्या किया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश की और ये दोनों को कैंसिल कर दिया, 3 ऊपर है 5 नीचे, ये बाकी बच गया। अब ये 3/5 ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इट मीन्स ये दोनों से अंदर मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई जब होगा तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 और 13 ये बच जाएगा, यही 3/5 आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अब आप क्या करें, ये देखें ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनके साथ देखें ना बी लिखा हुआ है, ये और ये एक टर्म जो उस तरफ पड़ी है ये लाइक टर्म है। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ देखो देखें दोनों यहाँ पर प्राइम नंबर हैं, 3 का टेबल 3 पर ही जाएगा, 5 का टेबल 5 पर ही जाएगा। दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 15 आएगा, 3 5s are 15 और 3 देखें 3 5s are 15 यानी 5 पे आ रहा है, 5 4s are 20 बी आ गया, यहाँ पे 5 3s are 15 यानी 5 का टेबल 3 तक आया और 3 13 3s are 39 बी। और यहाँ पर एक और काम ये करना है कि 6 के साथ आपने इस नंबर को उधर ट्रांसफ़र कर देना, ये देखें ना बी वाले मैंने एक ही तरफ ही रखे हैं, इस नंबर को मैंने दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र कर दिया 6 के साथ, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। इन दोनों का भी हम एलसीएम लेंगे, चलें यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 39 में से ये 20 निकल जाएंगे, बाकी 19b/15 बाकी बच जाएगा, जबकि इधर अगर इनका एलसीएम लेते हैं 30 देखिए ना 1 का टेबल 5 पे आएगा, 5 6 30 87 1 7 आ जाएगा, क्योंकि 5 का टेबल 5 पे 1 पे आएगा। अब 87 में से हम क्या करते हैं 30 निकाल दें अगर तो 57 बाकी रह जाएगा ओवर 5, यहाँ से 19/15 बी बाकी बच गया। अब आप ये ख्याल करें देखें हमें बी का आंसर चाहिए, तो ये जो 19 अच्छा यहाँ पर देखें ज़रा ख्याल करें ये माइनस का आएगा साथ, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो माइनस की है और यहाँ पर भी ये माइनस का बाकी बचा। अच्छा साइन का बेटा ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर साइन आपने कहीं भी गलत कर दिया सवाल सारा गलत हो जाएगा। अब ये देखें बी यहीं पर रहेगा, ये 19/15 इधर बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा 57 के साथ ये क्या होगा डिवाइड होगा, ये देखें मैंने साइन लिखा डिवाइड डिवीजन का 19/15 एज इट इज़ लिख दिया, ये देखें ना डिवाइड हो जाएगा और साथ में ये माइनस भी लगा दें। अच्छा डिवीजन के साथ माइनस का कोई कंसर्न नहीं है, ये आपने परेशान नहीं होना कि यहाँ आप डिवाइड और माइनस करेंगे तो क्या होगा। अब डिवीजन को हमेशा हम क्या करते हैं -57/5 एज इट इज़, इसको हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे, 15 ऊपर आ जाएगा और 19 नीचे आ जाएगा, यानी वो वैल्यू जो होती है वो हम पलट देते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और माइनस साइन भी एज इट इज़। अब ये देखिए ये माइनस माइनस से कैंसिल कर देंगे, 5 3s are 15 5 1s are 5 5 3s are 15। अच्छा 57 पर देखें डिवाइड करें हम 19 को, 3 के टेबल पर ये भी जा रहा है, 3 19 1s are 19 and 3 19 3s are 57 b is equal to देखें 3 3s are 9 ये आपके पास आया, बी का आंसर 9 आ चुका है। कैसे आया ये थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इस बी को आपने यहाँ लगाना है, यानी इक्वेशन 1 में लिखें यहाँ पुट b is equal to 9 इन इक्वेशन 1। वन इक्वेशन ये है a is equal to 2/5 13/3 b की जगह देखें ना वो आंसर आपने लगा दें वो क्या 9।
माइनस 29 ये लिख दिया। अब ये देखें, ये 3 इससे कैंसिल कर दिया, सो 3 आ गया ऊपर, 3 3 ज़ार 9, सो a इज इक्वल टू 2/5, ये 39 माइनस 29 हो जाएगा। चेक करें ज़रा, 3 3 ज़ार 9, 3 बाकी बचा, 3 को 13 से मल्टीप्लाई किया, सो 39 माइनस ये 29 एज इट इज़, सो दोनों को माइनस करेंगे सो 10 आ जाएगा, और ये 2/5 जो बाहर है वो आप एज इट इज़ नीचे लें। ये देखें, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, सो a इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है, सो 2 2 ज़ार 4, a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू 9। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसलिए ज़रा इसको आप बेटा वीडियो को पॉज करके आप बारी बारी ज़रा इसको नोट करते जाएं, साथ साथ आपने इसको देखते भी जाना है और समझने की कोशिश करनी है, सो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कम्प्लीट हुआ, सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, सी माइनस 9 इज़ इक्वल टू 1/5d, 9 प्लस सी इक्वल टू 2d, यानी यहाँ से अगर आप ख्याल करें सो सी इज़ इक्वल टू 2d, ये 9 उधर अगर ट्रांसफ़र करेंगे सो 9 माइनस का हो जाएगा, और देखें सी का आंसर आ गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। इसको लगाएं ज़रा इक्वेशन 2 के अंदर, चलेंगे इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। आप ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसा करें इसको इक्वेशन 1 कर दें, इसको इक्वेशन 2 कर दें, और इसको इक्वेशन 3 कर दें, ये आप अपने मर्ज़ी से रख सकते हैं नाम। ये नहीं है कि मैं जो नाम दे रहा हूँ वो आप सोचें कि हम भी वही रखें, आप अपनी सहूलत के लिए भी ये नाम चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, सी मैंने आंसर यहाँ से निकाल लिया, इसको मैं यहाँ इक्वेशन 1 में लगाता हूँ, सी की जगह पर देखें ना, ये सी पड़ा हुआ है, इसकी जगह ये लिख देंगे, यानी पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1, देखें ना सी की वैल्यू ये है, इसको इक्वेशन 1 में लगाया, सी क्या है देखें, ये 2d माइनस 9 इसकी जगह लिखा है, आगे माइनस 9 ये वाला है। चलें आप ऐसा करें, पहले इसकी जगह आप वैल्यू लिख लें, पहले इक्वेशन लिखें सी माइनस 9 इक्वल टू 1/5d, देखें सी की जगह ये लिखें आप 2d माइनस 9 ये देखिए, चलिए ये ब्रैकेट लगा दी, माइनस साइन इक्वल टू 1/5d आ गया। अब आप खोलें इसे ज़रा, 2d माइनस 9 माइनस 9 इक्वल टू 1/5d, देखें दोनों माइनस के हैं, सो 2d माइनस 18 इक्वल टू 1/5d। अच्छा ये देखें, डी एक यहाँ पर है जबकि एक डी उस तरफ पड़ा हुआ है, यानी 1/5, हम क्या करें, डी वालों को इस तरफ लेकर आते हैं और ये विदाउट डी उस नंबर को हम उस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी 2d इज़ माइनस 1/5 इधर आ जाएगा, 18 माइनस का है सो इस तरफ आएगा, सो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, एक डिवीजन फॉर्म में है, सो एलसीएम लेंगे यहाँ पर, दोनों का एलसीएम 5 आएगा, 1 का टेबल 5 तक 5 पे आएगा, सो 5 2 ज़ार 10 डी माइनस 5 1 ज़ार 5, सो डी एज इट इज़ इक्वल टू 18, सो ऊपर 9d बन रहा है, नीचे 5 एज इट इज़ इक्वल टू 18, यानी देखें 10 में से एक डी निकाल देंगे, सो 9d ओवर 5 इक्वल टू 18, हमें यहाँ से डी का आंसर चाहिए, सो डी के साथ देखें ये 5 डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई, सो 9d यहीं पे 18 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, ये 5 इधर ट्रांसफ़र होगा, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई, सो 9d आपके पास क्या आ रहा है, 18 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, सो 90 आ रहा है, सो यहाँ पर डी देखें 9 मल्टीप्लाई, इधर आके 90 के नीचे ये डिवाइड होगा, सो डी का आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा, यानी डी का आंसर यहाँ से क्या आ रहा है, 10 आ गया। अब आप इस 10 को यहाँ पर इक्वेशन 3 के अंदर लगा दें, यानी पुट डी इज़ इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3, देखें ये इक्वेशन 3 है, 2d माइनस 9, सो सी इज़ इक्वल टू 2 × 10 माइनस 9, सी इज़ इक्वल टू 10 × 2 ज़ार 20 माइनस 9, एंड सी इज़ इक्वल टू 11 आ गया। सो ये बेटा आपका आंसर सी का भी निकला है, डी का भी निकला है।
क्वेश्चन 9 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 17 का, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन जैसे हमने शुरू में इन तमाम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स को शुरू किया, सो ये भी उन्हीं की तरह का है। इसमें देखें, सो इक्वेशन 1 जो लिखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इसको मैंने नाम इक्वेशन 1 का दिया। दूसरी है 2y प्लस 3x इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब आप इक्वेशन 1 से ज़रा देखें, सो x का आंसर हम बना लेते हैं 7 प्लस वाई, और ये हम दे देते हैं नाम इक्वेशन 3 का, यानी यहाँ पर y माइनस का था। जैसे ही इक्वलिटी के दूसरी साइड पर आएगा सो ये प्लस का हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, आपका x का आंसर आया। इसको हम लगाते हैं यानी सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। सो आप लिखें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 के अंदर हमने क्या किया, x का आंसर लगाया। सो x का आंसर है 7 प्लस वाई, सो 2y प्लस 3, ये देखें यहाँ x पड़ा हुआ है, x की जगह लिख दें 7 प्लस वाई इक्वल टू 11। सो इसे जस्ट सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा 7 3 21 और 3y इक्वल टू 11। ये लाइक टर्म्स आ रही हैं, तो ये 5y हो जाएगा प्लस 21 इक्वल टू 11। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई। सो यहाँ से इसे सॉल्व करें, y का आंसर निकालना है, y के साथ देखें ये 21 प्लस हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सो पहले इसका नंबर है 5y इज एज इट इज़, 21 माइनस हो जाएगा जब ये इक्वेलिटी के दूसरी साइड पर सेंड कर देंगे इसे। देखें ना यहाँ पर प्लस है y के साथ, उधर जाएगा माइनस, सो 5y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 10। सो y इज इक्वल टू, देखें माइनस कैसे है कि 21 बड़ी वैल्यू है, सो 11 निकल जाएगा, सो बाकी आपके पास 10 आ जाएगा। सो यहाँ पर 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो माइनस 10 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू आपके पास माइनस 2 आएगा। कैसे आया, 5 1 5 5 2 10, और ये माइनस एज इट इज़। अब ये जो आंसर y का निकला है, इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 बल्कि इक्वेशन 3 के अंदर लगाते हैं, यानी पुट y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 3 में y का आंसर लगाते हैं। सो x का आंसर क्या आएगा, x प्लस y की वैल्यू है माइनस 2। ये देखें 7 एज इट इज़ प्लस b एज इट इज़, y की जगह क्या लिखा, जो आंसर हमने फाइंड किया था माइनस 2 को। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 7 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, सो x इज इक्वल टू 5 आ गया, यानी माइनस 2 7 में से निकलेगा, सो प्लस का 5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। सो बेटा यहाँ पर हम आज की एक्सरसाइज 17 एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। इसके बकिया भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो भी सेम इसी तरह से आपने करनी है, लेकिन अगर आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई है तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो भी क्वेश्चंस आपके लिए इतने मुश्किल नहीं होंगे। जस्ट आपने उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करनी है और उनकी इस तरह से इक्वेशन बना लेनी है। जैसी इक्वेशन बन जाएंगी सो बाकी सारा काम आपने यही करना है। अगर फिर भी आपको बेटा वो क्वेश्चंस ना समझ आएँ तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप आगाह करें मुझे, मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाकर आपके लिए उसको अपलोड करूँगा ताकि आपकी हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। सो आज का हम ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो बेटा इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आपने समझना है, क्योंकि 9th में और 10th क्लास में भी इन्हीं से रिलेटेड आपको एक कंप्लीट एक्सरसाइज मिलेगी। सो अभी से अपने जहन को आप प्रिपेयर कर लें कि इस तरह की जो सिमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी आपने उनको किस तरह से सॉल्व करना होगा। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर किया करें, और इसका लिंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।